जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम बैंक निफ्टी की फुल एनालिसिस वीडियो लेके आए हुए हैं आप सभी के बीच, जो कि नेक्स्ट डे मंडे के लिए होने वाली है। नेक्स्ट डे मींस ये सैटरडे के लिए नहीं, मंडे के लिए होने वाली है। मेरे नेक्स्ट डे कहने का मूव ये है, मतलब ये है कि छुट्टियों के बाद में जिस दिन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो, आप समझ गए होंगे, सारे लोग समझदार हैं हमारे साथ, धीरे धीरे सभी लोग समझदार हो जाएंगे जो कोई भी नया है। तो यानी कि 13 मई 2022 के लिए ये वीडियो होने वाली है। अब की बार आर या पार, बुल या फिर बुलिस, देखते हैं। 30 मई 2022 यानी मंडे के लिए ये वीडियो एनालिसिस हम करेंगे बैंक निफ्टी की। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो हम आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाली है। बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे, निफ्टी की आने वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली बेसिस पे हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और वीडियो के माध्यम से आप सभी को लेवल्स प्रोवाइड कराते हैं। आप ट्रेंड की और डाउन साइड के भी रेंज हम आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। जो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज जो पहले से जुड़े हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब किए हुए हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑन किए हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। और वो सभी लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारे एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से हम 95%+ एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर डेली बेसिस पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। प्रूफ के तौर पे आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं जो लेवल्स प्रोवाइड कराता हूँ वो लेवल किस प्रकार से यहाँ पे। तो चलिए, हम आपको बैंक निफ्टी के चार्ट लेके आए हुए हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट ओपन है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने लेवल्स दिए हुए थे आप सभी को। मैंने बताया था कि किस प्रकार से मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है और गैप अप ओपन हुई ऑलरेडी। देख सकते हैं कि 35,000 के ऊपर मैंने बताया था कि जब तक रहेगी तब तक आपको 35,550 का मूव मिल सकता है, लेकिन यहां तो उम्मीद से ज्यादा ही मिला। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 35,550 के लेवल्स को क्रॉस करती है बैंक निफ्टी और उसके बाद नीचे आने का प्रयास तो करती है लेकिन नहीं आ पाती है। मेरे दोस्त लाइव मार्केट में मेरे साथ जो जुड़े रहे हैं उनको मैं बता दूं कि किस प्रकार से वो प्रॉफिट बुक किए हैं। मेरे जो पिछले स्ट्रेटजी वीडियो देखकर मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं काफी दिन से, वो जानते हैं कि मैंने काफी सारी स्ट्रेटजी वीडियो बना के रखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो के माध्यम से भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है जो मैं आपको करके दिखाऊं और आपको प्रॉफिट मिल जाए। अगर इतना ऐसा ही हो तो मैं भारत के टॉप 10 रिचेस मेन में से आऊं। तो ये सारी चीज़ें होती है, एनालिसिस होती है। किसी के एनालिसिस जो है एक्यूरेट होती है, किसी के 100% होती है, नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा। अगर जो कहते हैं कि 100% है वो आपको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया था कि जिस लेवल में बैंक निफ्टी रहना चाहती है या फिर रह सकती है, तो मैंने अपसाइड का मूव भी हमने 35,550 का बताया था, उसके ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे चली गई है। अब मंडे को क्या होने वाला है, मंडे क्या गैप डाउन होने वाली है बैंक निफ्टी, या फिर गैप अप होने वाली है, या फिर गैप अप होगी और ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, फिर या फिर डाउन जाएगी तो कहाँ तक जाएगी। ऑप्शन ट्रेंड का डेटा भी हमने आपको बताया था, शायद 35,600 का बताया था या फिर 900 का बताया, मुझे कुछ याद नहीं है। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने जो कुछ भी बताया वो एक्यूरेट गया। तो आज भी मैं आप सभी को कुछ बताने वाला हूं और किस प्रकार से आपको यहां पे रेंज प्रोवाइड कराने वाला हूं। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं नियमित रूप से तो आपको एक ज़रूरी काम करना है, वो ज़रूरी काम ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में भी आपको ट्रेडिंग कराया करता हूँ, रेंज प्रोवाइड कराया करता हूँ, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये सारी चीज़ें बताया करता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारे साथ चैट सपोर्ट के माध्यम से भी कई सारे लोग कनेक्ट हैं, आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम व्हाट्सअप चैट सपोर्ट के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो को आपने स्किप कर करके देखा है तो आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर आई बटन पे कहीं ना कहीं लिंक ड्रॉप कर दी है। वो वीडियो के पहले हो सकती है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है। यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल नंबर की लिंक मिल जाएगी, वो आई बटन पर व्हाट्सअप चैट सपोर्ट के माध्यम से आप हमें सपोर्ट ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कई सारे लोग ट्रेंड हो रहे हैं और आप भी ट्रेंड हो सकते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। अदरवाइज कोई डाउट है कमेंट कीजिए, विद इन आवर्स हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। एक हमारे स्टूडेंट हैं अभय, हमने एक लेवल दिया हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पे जो कि एक्टिव ही नहीं था। उन्होंने बताया, सर मेरा लॉस हो रहा है। मैंने कहा, भाई साहब कैसे लॉस हो रहा है, मुझे तो गुस्सा आ गया। हमने कहा, ऐसे कैसे लॉस हो रहा है जब एक्टिव ही नहीं था। तो कुछ चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बगैर समझे बगैर जाने कूदना नहीं है, कुएं की गहराई माप लेने के बाद ही कुएं में उतरना सही होता है, तभी आप सेफ रहेंगे। आपको बता दें, या फिर उस तरह से उस स्ट्रेटजी को आप अपना सकें कि लॉस हो जाए तो उसे रिकवर कर सकें। तो वो बेचारे, उनका प्रॉफिट हुआ था और वो लॉस करके चले आए। तो मैंने उनको बताया, हमने कहा कि ऐसे नहीं होता है,
तो अभय जी वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपके लिए क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक चीज़ तो ये बताने वाला हूँ कि आप अपनी कैपिटल को देखिए और उसके बाद जो प्रॉफिट मिल रहा है उसकी परसेंटेज को देखिए। जैसे मान के चलो कि 1,000 रुपये अगर मुझे 100 रुपये मिल रहा है तो मैं 10% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो 10% प्रॉफिट बुक करने का मतलब है कि 10-20% अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, निकलिए, ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करने के बाद में अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कम से कम ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो लॉस तो नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ रणनीतियों को फॉलो करना होता है। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, बने रहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और कई सारे स्टूडेंट हैं जो आज हमें प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रीमियम नहीं बेचना है और ना मुझे पेड ग्रुप चलाना है, तो इसलिए मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप भी अगर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री, आपको आज एकदम फ्री है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं जुड़ के। चलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँगा, मैं सीधा सीधा हम आपको लेवल नोट कराए दे रहा हूँ बैंक निफ्टी में, जो कि मंडे को मार्केट रहने वाली है, मंडे को किस रेंज में रहने वाली है। ये देखिए मैंने आप सभी के लिए कुछ लाइंस ड्रा कर ली हुई हैं, यहाँ पे लाइंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा चार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसे लगा लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि SL सबसे पहले आप नोट कीजिए, SL नोट कीजिए, 35,400 का SL लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर आ गई है, इसलिए मैं SL को भी ट्रेल कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि SL को ट्रेल करते रहना चाहिए। SL हमारा यहाँ पे बन रहा है 35,400 में, यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, 35,400 का यहाँ पे SL लिए लीजिए और उसके बाद फर्स्ट ट्रेंड नोट कीजिए 35,480 से लेकर के, मैं यहाँ पे नोट कर दूँ 35,485 से लेकर के, 85 नहीं राउंड फिगर में रखिए, 80 रखिए, 480 से लेकर के आपको यहाँ पे कितना 36,170 का रेंज देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड में, क्योंकि मार्केट अब ऊपर के मोड में बना सकी है, मतलब मोड बना चुकी है। तो इस प्रकार से मार्केट में अब आर या पार होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपको पता है जो काफ़ी दिन से ट्रेड करते हैं कि 41,000-42,000 से मार्केट जो है नीचे डाउन साइड में आई है और करीब 4-6 महीनों से यहीं चल रही है। तो इस बार या फिर आर होगा या फिर पार होगा, पार मीन्स या फिर 41,000 के पार होगा या फिर आपको फिर 33,000-33,000 का मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर की ओर मार्केट रन करती है तो रन करेगी 35,480 से 36,170 के बीच में, यहाँ पे रैली कर सकती है नेक्स्ट डे मंडे को बैंक निफ्टी। वहीं पे अगर SL यहाँ पे मतलब यहाँ पे 35,480 के नीचे जाती है तो यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड काट देनी है या फिर इस SL पे काट देना है, 35,400 के SL पे काट देना है। इस बीच में अगर बैंक निफ्टी रहती है तो यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं बनानी ना फिर एग्जिट करना है, एंट्री एग्जिट नहीं बनानी, मेरे कहने का सेंस ये है। तो इसके नीचे अगर SL पे आप अपसाइड की एंट्री काटते हैं तो आपको पुट में बन जाना है। पुट में बने रहने के बाद में यहाँ पे 34,850 तक लिख देता है, मैं लिख देते हैं 34,850 तक आपको नीचे का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप पुट में भी कमा सकते हैं, अगर मार्केट नीचे जाती है पुट में कमाइए, अगर मार्केट अप जाती है तो कॉल में कमाइए, कॉल ऑप्शन में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप कमाने हैं मार्केट से, कमा के जाइए, गंवा के ना जाइए। अगर कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, अगर गंवाना चाहते हैं तो जाइए कोई पेड प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन चैन डेटा के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। मैं डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे आपको अभी तक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, अगर ये रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो आपके लिए खतरा ही है, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बेल आइकन आएगी नहीं, और बेल आइकन आएगी नहीं तो उसे आप प्रेस नहीं कर पाएंगे, और प्रेस नहीं कर पाएंगे तो आपको हमारे द्वारा जो वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे आप नहीं देख पाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी है हमने, यहाँ पे तमाम सारे स्ट्रेटजीज की वीडियो मैं आने वाले समय में डालूंगा, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज पड़ी हुई हैं जिनसे लोग पैसा बनाते हैं, और बनता है वास्तव में पैसा, पर डे बनता है, एक बार नहीं 2-3 बार बनता है। लेकिन जानिए समझिए, देखिए, वीडियो को स्किप करते रहेंगे केवल लेवल नोट करके आएंगे चले जाएंगे तो ऐसे थोड़ा होगा। तो खैर हम यहाँ पे आपको नोट करा दे रहे हैं ऑप्शन चैन का डेटा। ऑप्शन चैन का डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चैन का डेटा जो बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है 34,300 का, और जो सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है वो है 35,000
800 का, तो इस रेंज में भी बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे मूव कर सकती है, इस रेंज में रह सकती है। ऑप्शन चेन डेटा कई बार राइट होता है, इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ऑप्शन चेन डेटा कैसे डिस्कस किया जाता है, ऑप्शन चेन डेटा कैसे एनालिसिस किया जाता है, इसकी वीडियो मैं आई होप कल देने वाला हूँ आप सभी को, अगर इस वीडियो पे आपने अच्छा खासा प्यार दिया तो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो में यहीं पे आपसे विदा लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।